स्वागत है दोस्तों डेरिक द अल्टीमेट पे। और आज का टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन हिंदी में कहेंगे वाष्पीकरण। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी और उसके बाद टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक जंगल में एक बांस का पेड़ था और उसके पास ही एक आम का पेड़ था। बांस ऊंचा और आम छोटा। एक दिन बांस ने कहा, देखते नहीं मैं कितना बड़ा हो चला, कितनी तेजी से बढ़ा, और एक तुम हो जो इतनी आयु होने पर भी छोटे ही बने हुए हो। आम ने बांस के सौभाग्य को सराहा पर अपनी स्थिति पर भी असंतोष व्यक्त नहीं किया। उसे कोई परेशानी नहीं थी कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया। बांस पककर सूख गया और उसकी पत्तियाँ झड़ गईं, किंतु आम की डालियाँ फलों से लदी और वह अधिक झुक गया। होता ना कि आम पेड़ पे आम आते हैं तो वो झुकता चला जाता है। बांस फिर इठलाया, देखते नहीं मैं सुनहरा हो चला और बिना पत्तियों के भी दूर दूर से कितना सुंदर दिखता हूँ, और एक तुम हो जिसे फलों से लदने पर भी नीचे देखना पड़ रहा है। आम ने फिर भी अपने संबंध में कुछ नहीं कहा। बांस की सराहना भर उसने कर दी कि हाँ भाई, आप बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो। संयोग से एक दिन वहाँ पर कुछ यात्रियों का झुंड आया और ठहरने की तलाश में उन्होंने देखा कि आम का पेड़ फलों से लदा हुआ है और वो सबको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने वहीं पे अपना डेरा जमा लिया और रात्रि विश्राम करने लगे। फिर होता क्या है कि रात को सब भोजन पकाने के लिए आग जलाने की व्यवस्था करने लगे। तो भोजन पकाने के लिए ज़रूरत आग की पड़ी, सो नज़र दौड़ाई तो पास में ही सूखा बांस खड़ा पाया, तो उसे काट कर जलाना आरंभ कर दिया। अब बांस को अनुभव हुआ कि अहंकार को एक न एक दिन नष्ट होना ही पड़ता है। दोस्तों, घमंड या अहंकार हमें अंदर से खोखला करता है। हम जैसे भी हैं अपनी स्थिति पे हमें संतोष रखना चाहिए और विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। अपने भाग्य को हर समय सराहना देनी चाहिए, क्योंकि अहंकार किसी भी मनुष्य के पतन का कारण होता है। आता हूँ टॉपिक की तरफ, इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग द लिक्विड इन अ सुटेबल वेसल एंड विदड्राइंग द वेपर लीविंग अ कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट। हिंदी में कहे वाष्पीकरण, तरल पदार्थ को गर्म गर्म करने पर क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण सही बर्तन में क्वथन कराने पर उसका तरल पदार्थ वाष्प में बदल कर बाहर निकल जाता है तथा शेष गाढ़ा पदार्थ बर्तन में उपलब्ध रहता है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि इवापोरेशन और वेपराइजेशन में थोड़ा सा अंतर है और कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है। इवापोरेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, और जो वेपराइजेशन होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, रूम टेम्परेचर से लगा के, और टेम्परेचर बढ़ने पर वो हर जगह होता है। जैसे समुद्र में होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे वेपराइजेशन होता है। लेकिन इवापोरेशन के अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो इवापोरेशन जैसे घरों में आपने खोया बनाते हुए देखा है, तो वो एक प्रोसेस है इवापोरेशन की। तो वाष्पीकरण कहाँ पे होता है, क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, और वेपराइजेशन होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि वाष्पन जो होता है वो कमरे के तापमान से लगाकर किसी भी तापमान पर हो सकता है। तो डेफिनेशन की तरफ फिर से चलता हूँ। इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग द लिक्विड इन ए सुटेबल वेसल एंड विदड्राइंग द वेपर लीविंग अ कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट। तरल पदार्थ को गर्म करने पर क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण द्वारा सही बर्तन में क्वथन कराने पर उसका तरल पदार्थ वाष्प में बदलकर बाहर निकल जाता है तथा शेष गाढ़ा पदार्थ बर्तन में उपलब्ध रहता है। तो ये तो हो गई डिफिनीशन की बात। अब आगे बात करता हूँ कि कौन कौन से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन।
सबसे पहला है टेम्परेचर, तापमान। तो टेम्परेचर की बात करूँ तो द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाष्पीकरण की दर तापमान के समानुपाती होता है, यानी जिस जिस प्रकार से तापमान बढ़ता जाएगा वाष्पीकरण उसका बढ़ता चला जाएगा। और तमाम सारी जो दवाएं होती हैं वो औषधियां जो होती हैं वो ताप के लिए संवेदनशील होती हैं, तो नष्ट भी हो सकती हैं, इसीलिए इसमें बहुत ही सावधानी रखी जानी होती है। तो द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि वाष्पीकरण का क्षेत्रफल, कि जिस बर्तन में उसका वाष्पीकरण कराया जा रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है, जो कांटेक्ट की जो एरिया होता है वो कितना है। तो सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कि जो इवापोरेशन की दर होती है, वाष्पीकरण की दर खुली वाष्पीकरण सतह के समानुपाती होती है, अतः जो छिछले कम गहराई के बर्तन होते हैं उनमें वाष्पीकरण तेज होता है। आपने देखा होगा कि दूध से जब खोया बनाया जाता है तो बर्तन चौड़े मुँह का होता है, कढ़ाई वगैरह पैन जो होता है वो चौड़ा होता है, इसलिए क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो अधिक हो और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन उस बर्तन के कांटेक्ट में रहे। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर वातावरणीय दबाव अधिक है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। वायुमंडलीय जो दाब होता है वह वाष्पीकरण दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर वायुमंडलीय दाब अधिक हुआ तो वाष्पीकरण की जो दर है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है रेट ऑफ एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है हिलाना, चलाना, हिलाना, ये एजिटेशन कहलाता है। तो द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन रेट ऑफ एजिटेशन। जिस तरीके से हिलाने की दर होगी उसी तरीके से जो रेट होगी इवापोरेशन की वो बढ़ती चली जाएगी, वाष्पीकरण की दर बढ़ती चली जाएगी। ऐसा किस लिए होता है कि जो द्रव होते हैं, द्रवों के वाष्प द्रव की ऊपरी सतह पर एक झिल्ली बनाते हैं जो वाष्पीकरण की दर घटाते हैं। आप खुद भी अनुभव करते होंगे कि जब कभी खोया बनाया जाता है तो लगातार उसे चलाया जाता है, एजिटेशन कराया जाता है, चलाया जाता है, वो इसलिए कि उसके ऊपर कोई झिल्ली ना बन पाए, और जिससे क्या होता है कि जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ती है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन रेट ऑफ एजिटेशन। नेक्स्ट है सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो इवापोरेशन के लिए कंसंट्रेशन कहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है और कैसे वो प्रभावित करता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हैविंग ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, जो भी जितना भी गाढ़ा द्रव होगा उसका जो क्वथनांक बिंदु होगा वो अधिक होगा। तो क्या होता है कि सो सम टाइम हाई टेम्परेचर डिटेरियरेट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कभी कभार क्या होता है कि अधिक तापमान पे जब वह बॉयल करता है, उबलता है, क्वथनांक उसका अधिक होता है तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि उस औषधि के जो प्रकृति है या उसके गुण हैं जो वह जल जाते हैं, खो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, डिटेरियरेट हो जाते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हैविंग ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट सो समटाइम्स हाई टेम्परेचर डिटेरियरेट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सेलेक्शन ऑफ इवापोरेशन मेथड, कि हम किस प्रकार का जो है उत्पाद का जो है हमारा प्रोडक्ट है वो किस प्रकार का बन रहा है। तो वाष्पीकरण एवं उपकरण का चुनाव उत्पाद के आधार पर किया जाता है। सेलेक्शन ऑफ इवापोरेशन मेथड इज डिपेंड अपॉन द
नेचर ऑफ प्रोडक्ट लाइक इवापोरेटिंग पैन इज यूज्ड फॉर सॉलिड प्रोडक्ट एज वेल एज फिल्म इवापोरेटर इज यूज्ड फॉर लिक्विड प्रोडक्ट। जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं इवापोरेशन के लिए, ठोस पदार्थों के लिए हम इवापोरेटिंग वाष्पीकरण पैन का यूज करते हैं और फिल्म इवापोरेटर को यूज करते हैं लिक्विड या द्रवीय उत्पाद के लिए। अगला है तरल का तापमान, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, इट इज हाईएस्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। तरल पदार्थों के तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण दर बढ़ती है, अतः वाष्पीकरण की गति द्रवों के क्वथनांक बिंदु पर सर्वाधिक होती है। समझ लीजिए इस चीज़ को कि जब कोई लिक्विड बॉयल करेगा वहीं पर उसकी इवापोरेशन की जो रेट है सबसे अधिक होगी, जो दर है उसके वाष्पीकरण की वह सबसे अधिक होगी, सर्वाधिक होगी। इसके बाद आता है टेम्परेचर ऑफ वेपर, वाष्प का तापमान। किसी तरल पदार्थ की वाष्प निम्न ताप पर संतृप्त होती है पर उच्च ताप पर असंतृप्त हो जाती है, अतः वाष्पीकरण की क्रिया वाष्प के तापमान की वृद्धि से बढ़ जाती है। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वेपर, तरल पदार्थ की वाष्प निम्न ताप पर संतृप्त होती है परंतु उच्च ताप पर असंतृप्त हो जाती है, अतः वाष्पीकरण की क्रिया वाष्प के तापमान की वृद्धि से बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट है वायु की संतृप्तता, सैचुरेशन ऑफ एयर। सैचुरेशन ऑफ एयर को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी आप समझते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो भी वातावरण में हवा में नमी या पानी की बूंदें फैली रहती हैं उसे हम आर्द्रता, नमी या ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वातावरण में हर समय उपलब्ध रहती है। आप कभी अगर मौसम का देखते हैं, मौसम के बारे में, तो उसमें दिखाते भी हैं ह्यूमिडिटी कितने परसेंट होती है। बारिश में बहुत ज़्यादा होती और गर्मियों में या समुद्र के किनारे ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो होता क्या है, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज, जो इवापोरेशन की दर होती है वह कम हो जाती है अगर ह्यूमिडिटी अधिक है या संतृप्त हवा अगर है वहाँ पर, तो वहाँ पर वाष्पीकरण कम मात्रा में होगा। तो ये कुछ थे पॉइंट जो कि फैक्टर्स जो कि प्रभावित करते हैं इवापोरेशन को, वाष्पीकरण को। फिर से मैं बता रहा हूँ वाष्पन और वाष्पीकरण में अंतर होता है। वाष्पीकरण या इवापोरेशन होता है क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट पर, और वाष्पन जो होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जिसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से अपनी जीवन को सही दिशा दीजिए। शेष फिर आऊँगा और फिर कुछ नया लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए